आप देख रहे हैं खबर भारत न्यूज सच्चाई का दर्पण। आज ओबीसी महासभा बालाघाट जिला अध्यक्ष सौरभ लोधी जी के नेतृत्व में पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरी शंकर बिसेन से मुलाकात कर उन्हें ओबीसी वर्ग के 27% आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने, चयनित शिक्षक भर्ती 27% आरक्षण के आधार पर करने, ओबीसी वर्ग के छात्र छात्राओं को शीघ्र छात्रवृत्ति प्रदान करने, ओबीसी वर्ग की जातिगत जनगणना, ओबीसी वर्ग को उसकी जनसंख्या के हिसाब से 52% आरक्षण दिए जाने की मांग, मध्य प्रदेश में विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े पदों में नियुक्त करने सहित अन्य ओबीसी वर्ग के विषयों पर चर्चा की गई। साथ ही ओबीसी महासभा ने चेतावनी दी कि अगर हमारी इन मांगों पर एक माह के भीतर सरकार निर्णय नहीं लेती है तो आने वाले समय में ओबीसी महासभा के बैनर तले आंदोलन, धरना एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग अध्यक्ष के आवास का घेराव करने से भी ओबीसी महासभा पीछे नहीं हटेगी। साथ ही अगर हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो ओबीसी महासभा मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष के आवास का घेराव करेगी एवं उनके आवास के सामने ही धरना आंदोलन करेगी। सौरभ लोधी। खबर भारत न्यूज के लिए बालाघाट से फिरोज डोंगरे के साथ पवन कश्यप की रिपोर्ट। हम ओबीसी महासभा वाले आए थे आपके पास में, विगत लंबे समय से इनकी मांगे हैं, किस प्रकार की आपने आज सुनाई? देखिए, जो चयनित शिक्षक हैं उनका ये महासंघ के लोग का प्रतिनिधि मंडल और उनके अध्यक्ष आए, उनका यह कहना है कि हमें 27% आरक्षण के अनुरूप ओबीसी की भर्ती हमने उनके ज्ञापन को लिया है और उस पर शासन तक। आप चूंकि भाऊ अब पिछड़ा आयोग से बन चुके, किस प्रकार से इनकी बात रखेंगे और क्या कब तक इनको जल्द से जल्द इनकी समस्या का निराकरण? मेरा तो काम है कि जो भी लोगों के ज्ञापन आते हैं उनका अध्ययन करना और सरकार के साथ। ठीक मैडम, आपका नाम बताएंगे? मैडम, जैसे कि आज आप भाऊ से मिले हैं, क्या आश्वासन मिला? विगत लंबे समय से आप लोग धरना आंदोलन ज्ञापन तो करते ही हैं, लेकिन यहाँ से आज क्या आश्वासन मिला, क्या उम्मीद लेके जा रहे हैं आज यहाँ से? माननीय गौरी शंकर बिसेन जी के सामने जब हमने 27% ओबीसी आरक्षण की बात की तो उन्होंने कहा कि उन्होंने हमें कोर्ट का आश्वासन दिया कि कोर्ट में मामला अटका है ऐसा वैसा, लेकिन बोले उन्होंने कहा कि हमें आश्वासन दिया कि मुझसे जितना हो सकता है मैं आपके पक्ष की बातें रखूंगा। क्या नाम? मैं सौरभ लोधी, ओबीसी महासभा जिला अध्यक्ष बालाघाट। बताएंगे आज आप यहाँ गौरी बाबू के पास ज्ञापन सौंपने आए थे, क्या है पूरा? हमारे बालाघाट जिले के लिए बहुत हर्ष का विषय है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष हमारे बालाघाट विधायक आदरणीय गौरी शंकर बिसेन जी को बनाए। आज हम सभी ओबीसी महासभा के साथी, चयनित शिक्षक के साथी, महाविद्यालय के छात्र छात्राएं उनका स्वागत अभिनंदन करने पहुंचे और उनको बधाई दी। साथ ही ओबीसी महासभा के बैनर तले जो लंबे समय से हम लोग मांग कर रहे कि जो विगत 3 वर्षों से चयनित शिक्षक भर्ती रुकी हुई है वे 27% आरक्षण के आधार पे जल्द से जल्द हो, महाविद्यालय के जो बच्चों को विगत वर्षों से जो छात्रवृत्ति नहीं मिली है वो 15 दिवस के भीतर में छात्रवृत्ति प्रदान करने का कष्ट करे, इसके साथ में जातिगत जनगणना और जो ओबीसी का 27% आरक्षण है उसको केंद्र सरकार के द्वारा संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने सहित अन्य विषयों पर हमने आज आदरणीय पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरी शंकर बिसेन जी से चर्चा की। क्या लगता है कई साल से आप लोगों की मांगे नहीं सुनी जा रही है, कई आंदोलन भी किए आपने, इसके आपने आंदोलन किए, धरना किए, आज भाव से मिले तो आज आपको क्या आश्वासन मिला और आप यहाँ से क्या उम्मीद लेके जा रहे हैं? निश्चित रूप से हम अपेक्षा करते हैं आदरणीय गौरी शंकर बिसेन जी से कि वे हमारी सभी मांगों पर विचार करेंगे। अगर एक माह के भीतर हमारी मांगों पर आदरणीय गौरी शंकर बिसेन जी के द्वारा में कोई सकारात्मक पक्ष नहीं रखा जाता है तो निश्चित रूप से एक माह के पश्चात हम लोग गौरी शंकर बिसेन जी के बंगले का भी घेराव करेंगे और अनशन धरना प्रदर्शन ये इस बंगले के सामने ही करने के लिए मजबूर होंगे। आज क्या आश्वासन मिला है आपको? मौखिक रूप से गौरी शंकर बिसेन जी ने आश्वस्त किए कि मैं सतत रूप से अपने आयोग के अधिकारियों के साथ मिलकर इन विषयों पर चर्चा कर रहा हूं और बहुत जल्दी आप लोगों की समस्या का समाधान करूंगा। ठीक।